AHC एकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी, IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। मालेगांव वार्ड नंबर 3 नूर नगर। सगीर मेंबर की कोशिशों से इमदादी दवाखाना कारपोरेशन के प्रशासक भालचंद गोसावी के हाथों हुआ। ये इमदादी दवाखाना कारपोरेशन के जेर एहतमाम जारी रहेगा। वार्ड में गरीबों के लिए एक दवाखाने की शदीद ज़रूरत थी। इसके पेश नज़र साबिक कारपोरेटर सगीर मेंबर से वार्ड के लोगों ने इस जानिब तवज्जो दिलाई। सगीर मेंबर जो वार्ड में गुज़िश्ता 5 सालों से तामीराती कामों को अंजाम दे रहे हैं, प्रशासक राज में भी वो वार्ड में काम कर रहे हैं। इस इमदादी दवाखाने के जारी होने के बाद वार्ड के लोगों में खुशी का माहौल है और वार्ड के लोगों ने सगीर मेंबर कारपोरेशन कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। ये नाम जो दिया गया है उसमें अपनापन है। मैं आपको सबसे गुजारिश करता हूँ, ये अपना दवाखाना समझ के आप ये सभी जन इस डिस्पेंसरी को, इस हॉस्पिटल को हेल्प करें। आज इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित आरोग्य अधिकारी सहायिका मैडम, हमारे आरोग्य अधिकारी बावसर मैडम, आयर मैडम, हमारे दोस्त सगीर मेंबर इमाम हाफिज फारूक साहब, लस्सी भाई, हमारे सहायक सचिन महाले और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बच्चों और भाइयों, मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे सगीर भाई हमेशा आते थे और चिल्ला के बोलते थे, सर मेरा जो वार्ड है रमजानपुरा बहुत बड़ा है और वहाँ पर सुविधा है कम है, तो मैं भी उनको बोला था कि सर सुविधा तो अपन देंगे अभी धीरे धीरे, लेकिन कुछ माहौल था तो माहौल में दे नहीं पाए, लेकिन मैंने नहीं सुने उनकी, ऊपर वाले ने सुन ली। तो ये पहला जो दवाखाना है उनके वार्ड में, उनका उनके कार्य क्षेत्र में उसका आरंभ हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं सभी भाई बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पर सपोर्ट करें हमारे पूरे मेडिकल स्टाफ को। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नासिक के बाद में अगर कोई सिटी है, कोई शहर है, तो मालेगांव शहर है और मालेगांव मनपा के प्रशासन की ओर से जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है तो नासिक में दूसरा कोई सिटी नहीं है, ये मैं गौरव से कहना चाहता हूँ। इसके दो रीज़न है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, हमारी एक बहना थी स्वर्गवासी ठाकरे मैडम, आरोग्य अधिकारी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं सहायिका मैडम से गुजारिश करता हूँ, अभी आप भी सबका आदर्श लेके यहाँ अच्छी तरह से काम करते हो और जो जोर से काम में लगे, क्योंकि ये एक नहीं है, ये कम से कम 30 अपने को सेंटर ओपन करने हैं। तो ये जो मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अवेलेबल करके दी है, तो उसमें आपको आपके यहाँ से तो घर तक पेशेंट ड्रॉप करना है या पेशेंट कलेक्ट करना है? अच्छा, तो ये दोपहर में 2 बजे से तो रात को 10 बजे तक ये अपना फैसिलिटी रहेगा। इसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं वो हायर करके, अपन जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको हायर करके आपको रिफर कर सकते हैं। कोशिश से अल्लाह करम से आज ये काम यहाँ पे अमल में आया है और ये दवाखाना बनने से नूर नगर, हाजी अहमदपुरा, तिरंगा चौक और तमाम महिला इन लोगों को सहूलत मिलेंगी और यहाँ पे माँ बहनों का भी इलाज किया जाएगा और बच्चों का भी इलाज किया जाएगा। मैं यहाँ के रहने वालों से, जैसे कि हमारे नसीर भाई है, हमारे इमाम साहब है और अमीर हमजा मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाबा भी बैठे हैं, यहाँ पे तमाम लोगों का, वार्ड लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों का वो साथ दे और ये दवाखाना का भरपूर ताउन कर और यहाँ पे हमारी लोगों की ओर से यहाँ पे इस दवाखाने वालों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं इतनी गुजारिश करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।